जय जगन्नाथ मेरे उड़िया देशवासी लोग। आज हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज मोदी जी उड़ीसा आ रहे हैं। बीजेडी बीजेपी का तो शादी आपने देख लिया, घर के अंदर अलग, रूम के अंदर अलग, दिल्ली में अलग, हर गंदा बिल पे इन लोगों ने वोट किया है। बीजेडी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है जो बिल्स पे, मतलब कॉमन जनता का पावर कम हो, आरटीआई एक्ट बंद हो, ये सब चीज़ों में बीजेडी ने बीजेपी को सपोर्ट किया। और लास्ट को अश्विनी वैष्णव जी को एमपी बना के यहाँ भेजा। और सबसे गंदी बात क्या है, ये जो जय श्री राम बोलते हैं और हमारे बीजेडी जो शंख लेके जय जगन्नाथ बोलते हैं, इन दोनों एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं। बेचारे तुम लोग को उल्लू बनाया जा रहा है रूम के अंदर, इनका खेल अलग है, रूम बंद करके इनका डील बड़े बड़े हैं, एक भी ढंग का ईडी रेड नहीं होता है। देखो कितने स्कैम्स गए, माइनिंग स्कैम पकड़ो, लैंड स्कैम पकड़ो, चिट फंड स्कैम पकड़ो, एजुकेशन स्कैम पकड़ो, दाल स्कैम पकड़ो, कहीं पे कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं है। जबकि आज के डेट में मोदी साहब केवल गारंटी 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 बोलते रहते हैं, है ना। क्या गारंटी कंप्लीट किया है मोदी जी ने? एक गारंटी कंप्लीट किया है हर आदमी पे, ये बीजेपी हो बीजेडी हो कोई भी हो कॉमन मैन हो, हर इंडियन के ऊपर 1.5 लाख का लोन लिया है 10 साल में। इस ये जो लोन भरेगा कौन, इसका गारंटी दो पहले मोदी जी। ये आपने किसको पूछ के 1.5 लाख का लोन लिया है हमारे सर पे? बोला ना क्या 50,000 हर फार्मर के अकाउंट में पहुंचा दूंगा। कौन सा फार्मर है उड़ीसा में जिसको 50,000 मिला है ना? 1 करोड़ जॉब लगा दूंगा इंडिया में, मतलब साल का। फिर लोगों को समझ में नहीं आया, उसको बढ़ा के बोला कि नहीं 2 करोड़ का जॉब लगा दूंगा, 2 करोड़ आदमी को जॉब मिलेगा साल में। और हुआ क्या, 34% लोगों का जॉब जा चुका है 10 साल में। देंगे क्या, ये जॉब ले जा रहे हैं। क्या बोला ना, गरीब के 80 करोड़ गरीब के घर पे राशन पहुंचा दूंगा। आजकल लहसुन का रेट कितना है, प्याज का रेट कितना है, आलू का रेट कितना है? अरे महंगाई में उड़िया आदमी मर रहा है। मोदी जी आपके लिए हिंदी बोल रहा हूँ आज, ये राशन गया कहाँ? गारंटी देता है आदमी तो गारंटी कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होता है? आप अगर प्रोडक्ट खरीदोगे दुकान से, गारंटी लेके देगा वो, गारंटी साइन करके देता है। अगर प्रोडक्ट खराब होता है तो क्या करता है, प्रोडक्ट बदल देता है। मोदी जी अपने आप को बदल दो, निकाल दो अपने आप को सीट से, क्योंकि आपने जो 142 स्कीम लॉन्च किया है मोदी जी ने 10 साल में, सारे स्कीम फेल हैं। और स्कीम का एक ही मतलब है, मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट। अब वो स्कीम चला गया, अब आ गया है और नए 20 स्कीम लॉन्च हुआ है इलेक्शन से पहले, केवल मोदी जी का मार्केटिंग कर रहे हैं। हर सेकंड में ऐड आता है इंडिया भर में मोदी जी का। अगर आपने गारंटी कंप्लीट किया तो एडवर्टाइजमेंट की क्या ज़रूरत है? गणतंत्र नहीं है, एडवर्टाइजमेंट तंत्र हो चुका है इंडिया, समझो मोदी जी। आपको इतनी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आप काम कर रहे हो। 4 लाख करोड़ लेके आए ना, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भुवनेश्वर में कहाँ पे इंटरनेट फ्री है कोई बता सकता है? गया कहाँ वो 4 लाख करोड़? ना गंगा साफ करेंगे करोड़ों रुपए लेके आए, आई थिंक वो भी कोई लाख ऊपर के करोड़ के ऊपर गया प्रोजेक्ट। गंगा और मैली हो गई है, राम तेरी गंगा मैली ज़्यादा हो गई है भाई। आम ओडियावासी माने मोदी जुमला जम्मा धरनी, मु हिंदी रे जानी सुनी कहूतली, काई ये जत्ते गारंटी देइछंती आंकर गोटिए गारंटी, से गारंटीटा हबनी तो आम आउ गोटे गारंटी दवा, आउ गोटे गारंटी हबनी आम आउ गोटे गारंटी दवा। एक्चुअली रे आंकर को भी गारंटी कंप्लीट हेइनी। माने कहले मु इलेक्ट्रिसिटी कर देली पूरा इंडिया सारा, 3 कोटी घरे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी आज का डेट रे रिपोर्ट कहूँ, कौन मिछ